अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ रईशा नाम के गांव से। तो यहाँ के जो कल्चर है वो बिल्कुल तो दोस्तों ये रईशा गांव है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी तकरीबन सारे मंच पे बनाए गए घर हैं। ये तकरीबन 65 चूल्हे यहाँ पे मौजूद है। ये लकड़ी से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे जो इवेंट है जिसे ख़त्म कुरान कहते हैं, कुरान खानी करते हैं, और सात गाँव वाले को यहाँ सबको खाना खिलाते हैं। इस इवेंट का नाम यानी कुरान खानी करते हैं। ये देखें जी, ये टमाटर प्याज और यहाँ देसी पुलाव तैयार किए जाते हैं अभी इस इवेंट के लिए। तो इंतज़ाम करने के लिए भी गांव वाले आते हैं। ये इवेंट जो है, ये कुरान खानी जो है, वो सर्दियां आने से पहले पहले लोग इसको करके ख़त्म करते हैं ताकि सर्दियों में मुश्किल ना हो। और ये छतों के ऊपर सर्दियों के लिए लकड़ी सुखाने रखते हैं, उसको जमा करके गोबर भी इकट्ठे करके रखते हैं सर्दियों में जलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी सारे जो इसको सुखा के रखे गए हैं ताकि नवंबर दिसंबर में जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो इनको जला के गुजारा कर सके। ये खुबानी का जो सीड्स है उसको तोड़ने के बाद उसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, गोबर सूख गए बिल्कुल जी। खास शोल है जो देने जो थारी सुन थारी छम जो या आराम यदा हाँ आराम यदा आराम जा ठीक से आज ये तो निमाला दुख ठीक हुआ मैदान हाँ निमाला दुख पो निमी का दुख पो ठीक हुआ मैदान हाँ ओ निमी दुख ठीक पाना दुख बहुत जमीन भाग में दुख अच्छा लिया मो या आराम यदा या ये जुदे Yeah.
जी तो दोस्तों ये देखें आप, अब मुकम्मल यहाँ पे खुश्क हो गया है, कोई ज़मीन बिल्कुल खाली हो गई, ड्राई हो गई है। इतना सेल्फ देश होइन।